बैचलर का नाइट कैंपिंग इन जंगल, बिरयानी स्मेल अट्रैक्टेड एनिमल्स। विंध्या पर्वतों के जंगलों में सुंदर सुंदर प्रतिवेश थे, उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते रहते थे। मगर उस जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल के बीच में मंत्र साधन करने वाले बहुत सारे लोग रहते थे। एक बार सूर्या और उसके दोस्त दिनेश राजू अनजाने में जंगल के बीच में चले गए। बाद में वो लोग एक जगह पर रुककर टेंट डाले। टेंट डालने के बाद सूर्या उनसे, यार मैं आज का दिन आप लोगों के लिए यादगार बना दूंगा, तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो यार सूर्या उस दिन हमने बहुत एंजॉय किया था ना कहकर आप बात करोगे, कहा राजू तब। भाई सुनने के लिए अच्छा है, मगर हम लोग जैसे तैसे ऑलमोस्ट जंगल के बीच में आ गए, मुझे डर लग रहा है यार, कहा सूर्या। यार मैं हूँ ना, पहले हम जंगल में जाकर थोड़े मुर्गियों को पकड़ कर लाएंगे, बाद में उनसे बिरयानी बनाएंगे, तब उस खुशबू से आसपास रहने वाले जंगल के लोग आएंगे, तब हम उनसे दोस्ती करेंगे। सुना है यह वादियों में हीरे मिलते हैं, हम उन्हें लेकर यहाँ से गायब हो जाएंगे, कहा। राजू दिनेश दोनों मान गए। बाद में वो लोग जंगल में गए, तीनों मिलकर थोड़े मुर्गियों को पकड़े। उतना ही नहीं, जंगल में लकड़ियों को इकट्ठा करके एक चूल्हे को तैयार किए। बाद में मुर्गी को काट के अच्छे से तैयार किए और बिरयानी बनाना शुरू किए। थोड़ी देर के बाद भिक्षु नाम का एक मांत्रिक का शिष्य उनके पास आया। सूर्या वालों से भिक्षु, देखिए अंधेरा होने से पहले ही जंगल के बाहर गए तो आपके लिए अच्छा होगा, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे इस जंगल में लोग नहीं है, तुरंत यहाँ से चले जाओ, कहा। सूर्या तब, ए कौन हो तुम, देखने में साइलेंट एक्टर लग रहे हो, डायलॉग बोलकर चले जा रहे हो, तुम आकर अंदर कोई नहीं है, इंसान नहीं है, बोले तो हम कैसे मानेंगे, कम ऑन उन्हें बुलाओ, बिरयानी खिलाऊंगा, हमें बहुत सारे हीरे चाहिए, हेलो चाहे जितना भी महान हो उसे मेरे बिरयानी के आगे झुकना ही पड़ेगा, कहा भिक्षु तब। रे मूर्ख, अंदर सिद्ध पुरुष और मांत्रिक है, वो लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम भी उनके आड़े मत जाना, तुरंत चले जाओ, कहा सूर्या। देखो शराफत से आए तो सब जिंदा रहोगे, नहीं तो मेरे बारे में पता नहीं तुम्हें, हीरों के लिए मैं बहुत दूर जा सकता हूँ, इस जंगल को जला दूंगा, तब आप लोग बापरे बापरे कहकर उछलोगे, कहा भिक्षु तब। ठीक है, मूर्ख को समझा नहीं सकते, कहकर एक मंत्र पढ़कर वहाँ से चला गया। बाद में सूर्या, हाँ जाओ जाओ, मेरे बिरयानी के थाली को निकालते ही आप लोग भागते हुए आओगे, कहकर थोड़ी देर के बाद बिरयानी बनाकर उसके ऊपर के थाली को खोला। बस उसके महक से जंगल में मौजूद सारे जानवर आकर एकदम से उन्हें घेर लिए। अब तीनों बापरे बापरे कहकर डरने लगे। सूर्या से दिनेश, सूर्या भाग, भालू है रे, बापरे जंगल में के सारे जानवर आ गए हैं। राजू, रे निकम्मे ये दिन याद रहेगा, बोले थे ना इन जानवरों से हम नहीं बचेंगे, कुछ ना कुछ करो, कहते ही भिक्षु वहां पर आया। देखिए आप तीनों यही रहकर उनका पेट भरे तक उन्हें बिरयानी बनाकर खिलाना होगा, तभी तुम और तुम्हारे दोस्त जंगल से बचकर जा सकते हैं, नहीं तो तुम लोग उनका भोजन बनोगे, कहकर चला गया। अब तीनों कुछ कर नहीं पाए और जानवरों को पत्ते बिछाकर उनका बनाया बिरयानी खिलाए। वो बिरयानी जानवरों को बस नहीं हुआ। अब तीनों यहाँ वहाँ भागते हुए जंगल में के सारे मुर्गियों को लाकर फिर से बिरयानी बनाते हुए उन्हें पत्तों में बिरयानी परोसने लगे। ऐसे वो लोग एक महीने तक उन्हें बिरयानी खिलाए।
एक बार वो जानवर वहां से चले गए। ये देखकर राजू दिनेश दोनों सूर्या को खूब मारे। बाद में उसे कार में ठूसकर तीनों जंगल से भागे। अंडरग्राउंड बैम्बू स्विमिंग पूल। कर्णापुर नाम के गांव में गरीब कॉलोनी और अमीर कॉलोनी नाम के दो कॉलोनी हुआ करते थे। गरीब कॉलोनी में रामू नाम का व्यक्ति बैम्बू को काटकर उनसे वस्तुएं बनाकर उन्हें बेचता था। उसकी पत्नी का नाम था जानकी, बेटे का नाम था बिट्टू। रामू बैम्बू से कुर्सी, टेबल, खिलौने, अलग अलग वस्तुएं बनाया करता था। बिट्टू पास वाले स्कूल में पढ़ाई करता था। उस गांव में वो एक ही स्कूल हुआ करता था। वहां अमीर बच्चे, गरीब बच्चे सब पढ़ते थे। बिट्टू बहुत होशियार था, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। वो देखकर टिल्लू गैंग को बहुत गुस्सा आता था। टिल्लू गैंग सब अमीर कॉलोनी में रहते थे, वे बहुत पैसे वाले थे। टिल्लू के पिता टिल्लू के लिए एक स्विमिंग पूल बनवाए। एक बार टिल्लू अपने दोस्तों के साथ वहां तैर रहा था कि उसी समय वहां बिट्टू और उसके दोस्त आए। बिट्टू के दोस्तों में से एक, रे वे लोग कितने खुशनसीब है, देखो रे घर के सामने ही स्विमिंग पूल बनवाए, हम भी एक बार स्विमिंग करते हैं ना रे। तभी टिल्लू बिट्टू और उसके दोस्तों को देखकर, ले बिट्टू यहाँ आओ, तुम लोग भी स्विमिंग करो। यूं कहते ही बिट्टू और उसके दोस्त स्विमिंग पूल में उतरकर स्विमिंग करने लगे। तभी वहां टिल्लू के पिता घनश्याम आए। बिट्टू को देखकर, रे तुम वो गरीब कॉलोनी में रहने वाले लोग हो ना, तुम्हें ये अमीर कॉलोनी में कौन आने दिया रे, पहले बाहर निकलो। रे टिल्लो उन्हें स्विमिंग पूल में क्यों आने दिए रे। मैंने कहा कि मत आओ, हम अमीर लोग हैं, तुम लोग गरीब हो, दोनों का दर्जा अलग है। ऐसे बहुत कहने पर भी जबरदस्ती आकर हमें मारने लगे पिताजी, ये झूठ कहा। तब घनश्याम बिट्टू और उसके दोस्तों को मारने लगा। बिट्टू घर आकर उसके पिता से ये बात कहा। रामू बिट्टू को लेकर घनश्याम के घर गया। क्यों घनश्याम जी, ऐसे बच्चों को कैसे मार सकते हो, तुम्हारा बेटा ही इन्हें बुलाया, इसलिए ये लोग वो स्विमिंग पूल में उतरे, उसके लिए आप इन्हें इतना क्यों मारे। देखो तुम्हारे बच्चे स्विमिंग पूल में उतरना तो दूर, हमसे बात तक नहीं कर सकते, पहले यहाँ से जाओ वरना गर्दन पकड़कर धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारे पास पैसे है, स्विमिंग पूल है, इस बात का घमंड है ना, मैं भी हमारे गरीब कॉलोनी के लिए एक स्विमिंग पूल बनाकर रहूंगा, कहकर आवेश में निकल गया। फिर अगले दिन अपने घर के पास ही मिट्टी को निकालकर एक छोटा खड्डा खोदकर उसमें पानी डालकर स्विमिंग पूल बनाए। वो देखकर गरीब कॉलोनी के बच्चे बहुत खुश हुए। तब से वो बच्चे उस स्विमिंग पूल में तैरते हुए बहुत खुश हुए। ये बात जानकर घनश्याम अपने जान पहचान वाले एक ऑफिसर को गरीब कॉलोनी भेजा। वो ऑफिसर गरीब कॉलोनी गया। देखिए ये स्विमिंग पूल आपका है क्या? हाँ जी ये मैंने ही बनाया है। आपने सरकार से परमिशन लिया है क्या? परमिशन? वो क्यों जी, अगर मैं स्विमिंग पूल बनाना चाहता हूँ तो सरकार से परमिशन क्यों लूँ?
तुमसे यही उम्मीद थी। आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस तो जानते नहीं हो। स्विमिंग पूल बनाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, वरना इसे बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। तब रामू के पास और कोई चारा नहीं था और वो उस स्विमिंग पूल को बंद करने के लिए मान गया। बात जानकर घनश्याम बहुत खुश हुआ। एक बार रामू उस तरफ से गुजर रहा था तो घनश्याम रामू को बुलाकर क्यों रे, तुम्हारा स्विमिंग पूल बंद कर दिए? गरीब कहेंगे, और नहीं तो क्या, मेरे मुकाबले स्विमिंग पूल बंद हो गए। इस गांव में स्विमिंग पूल एक ही होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। अब जाओ। रामू बहुत अपमानित महसूस हुआ। गरीब कॉलोनी के बच्चे रामू से, अंकल परेशान मत होइए, हमारी शायद उतनी अच्छी किस्मत नहीं कि हम स्विमिंग पूल में तैर सके। आप फिक्र मत कीजिए अंकल। रामू को तभी एक आइडिया आया। अंडरग्राउंड एक सुरंग बनाकर वहाँ एक बैम्बू स्विमिंग पूल तैयार किया। बच्चे वो देखकर बहुत खुश हुए। वो अंडरग्राउंड बैम्बू स्विमिंग पूल में तैरते हुए बहुत एंजॉय करने लगे। वो धरती के नीचे होने की वजह से वहाँ एक स्विमिंग पूल है ये बात किसी को पता भी नहीं चली। इस तरह वो गरीब कॉलोनी के बच्चे रोज अंडरग्राउंड में तैरते हुए खुश हुए।